हेलो, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड अभी यहाँ पर फुल ऑन डिनर सीन्स चल रहे हैं। देयर इज सम पिज्जा बाय डोमिनोज, बाबा ने मंगाया था। ये कौन सा बाबा? ये टेक्स मैक्स है, लिखा होगा बॉक्स पर। आई हैव नो आइडिया। ये लोडेड चिकन है। ओह नाइस। ये मैडम भी यहाँ एंजॉय कर रही हैं। ये मैडम भी, हमारी मेन मैडम भी और बाबा भी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू हैव समथिंग एज वेल। ये थोड़ा सा सिमर डाउन हो गया, थैंक गॉड। यस, थोड़ा सा ही सिमर डाउन हुआ है, पूरी तरह से सिमर डाउन नहीं हुआ है। आई डोंट नो वाई दो, बट होपफुली इट विल गेट बेटर। आई हैड सिनफ्लेक्स, नथिंग एल्स। बाबा इज टेलिंग वेरी स्कैरी थिंग्स व्हाट दिस कैन बी। आई होप इट्स नॉट एज स्कैरी एज ही इज मेकिंग इट आउट टू बी। एंड डैडी वांट्स अस टू शो दिस वन एज वेल टू यू गाइस। रियली नाइस। सो इट्स सेरी टाइम राइट नाउ, व्हिच मींस इट्स टाइम टू गो आउट, सी के बाहर क्या सिचुएशंस हैं। लेट्स गो एंड सी। ताई का तो मैंने फुल मेकअप किया है। लुक एट ताई एट दिस टाइम, ऑल ड्रेस्ड अप। मैंने ताई का मेकअप किया था एंड हर मेकअप लुक्स मैग्निफिसेंट। ये तेल छोड़ के जरा नीचे देखना, ये देखना, लुक हाउ नाइस डज इट लुक। और ये इन्होंने बना लिए। ताई आपने जर्दी तोड़ दी यार, that's bad luck. No bad luck. No, it's bad luck. Please. क्या अंडा? Fry अंडा? हाँ। मगर जल्दी नहीं तोड़ना। हो सकता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। Not even a dot. मैं नहीं तोड़ती, मैं बहुत expert हूँ ये। जरा fry pan. तेल ज़्यादा डाल दे। पहले तो I cannot get over how pretty she's looking though. Sorry के टाइम। I'm just going to go to the dining room and ताई मेरे दो होंगे बाय द वे, दो फ्राई अंडे। हाँ नहीं होते क्या मतलब? नहीं मम्मी मैं दो खाती हूँ, प्लीज आई रियली लाइक देम। एंड हियर दादी जान इज हैविंग हर बॉइल्ड एग विद ब्लू बैंड। आर यू गोना मेक अ सैंडविच? मैश्ड एग। आई फील सो हैप्पी दैट समवन इज मेकिंग नाश्ता फॉर मी टुडे। आई फील स्पेशल। लुक एट माइन, देखो मेरा सनी साइड अप है प्रॉपर वाला। हाँ ये वाला पहली बार। मैं भी टोस्ट भी रखती हूँ इसके अंदर। यस, सो अभी मैं और ताई जो थे वो पूरी बातें कर रहे थे रैंडम और बहुत ये प्लेट देना बातें कर रहे थे। एंड वी वर जस्ट यू नो डूइंग दीज मेकअप सेशंस एंड एवरीथिंग। और यार प्लीज, हाँ तो ताई के साथ बैठ के सबने तस्बीहां पढ़ी, इबादत की, ये सारी चीजों फिर ये किया। ठीक है, उन्होंने कहा बता देना सबको, ठीक है। एंड पूरा मेकअप सेशन किया। ये वाली जो क्लाइंट थी, उफ इतनी बातें, इनकी तो बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। वेरी टॉकेटिव क्लाइंट आई हैड टुडे, माय गॉड। मगर आई बेयर्ड विद हर बिकॉज़ आई हैड टू, यू नो। सो दादी जान मेक्स हर मैश्ड एग्स एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नाश्तास ऑफ आवर्स लिटरली फॉर ऑल टाइम। वी कांट गेट ओवर दिस, है ना मम्मा? टूट गया होगा अंदर ही, ज्यादा नहीं टूटा, ठीक है। नहीं ये ज्यादा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। एज लॉन्ग एज वो योक उसकी फ्लोट ना करने लग जाए तब तक ठीक है। ठीक है, हाँ परफेक्ट है, थैंक यू। सो आर टोस्ट्स आर टोस्टिंग राइट नाउ। एंड आपने कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी आपने तस्बीहां किए हैं? सब ना, बहुत अच्छी बच्ची है ये, बहुत अच्छी अच्छी बातें। आयशा के साथ अभी कितनी बातें की हैं इन्होंने, मैं क्या बताऊँ। थैंक यू, मैं बाकी टोस्ट लाती हूँ फिर। दैट इज माय नाश्ता। सब मुझसे बोलेंगे तुम फिटनेस फूड वालों को भूल ही गई हो। देखो जब फैमिली, एग्जैक्टली, जब फैमिली साथ होती है तो फिर उन्हीं के साथ करना पड़ता है। यू कांट बी ऑल लाइक मैं अपना डाइट फूड खा रही हूँ, सो सॉरी। सो अब यहाँ पर सारी सहरी टाइम टॉकीज चल रही हैं। एवरी वन इज हैविंग देयर नाश्ता। दिस इज माइन एंड दिस इज इट फॉर द सहरी बिट। आई विल कैच यू गाइस टुमारो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी मेरा ये प्लान है दैट आई हैव टू गो टू सिद्रा लैश बार फॉर सम सर्विसेज। तो अभी मैं वहाँ पे जाने लगी हूँ एंड सबसे पहले मैंने उठने के बाद आई टुक अ शावर, आई क्लीन्ड माय स्किन केयर ऑफ, पुट सम न्यू वंस ऑन एंड देन आई रिसाइटेड अ लॉट ऑफ द सिपारास टुडे। आई एम सो ग्लैड, आज मैं जल्दी उठ गई थी। और अभी भी सिर्फ 3:15 हो रहे हैं एंड येट आई हैव डन सो मच। आई फील सो, मतलब यू नो लाइक अकम्पलिश्ड। आई एम ग्लैड अबाउट दैट
एंड अभी का ये सीन है कि मैंने उठने के फौरन बाद अपना सारा कमरा ना जितना मैं सॉर्ट आउट कर सकती थी उतना मैंने सॉर्ट आउट करवाया। जब से मैं वापस आई थी तब से मेरा जो सूटकेस था वो भी वहीं पे पड़ा हुआ था। इमेजिन मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज आते ही रमज़ान शुरू हो गए एंड रमज़ान रूटीन्स आर एक्सट्रीमली हेक्टिक, यू गाइज नो दैट ऑलरेडी। रूटीन्स मेस्ड अप होती हैं, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, फिर लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा होता है, सो देयर इज़ दैट। बट ये अभी तक का ये सीन है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ताज भाई टू कम टू ब्रिंग द कार सो दैट आई कैन गो विद हिम। Also, by the way, मैंने एक स्टोरी लगाई थी रिगार्डिंग दिस सिचुएशन दैट हैपेंड एंड जितने भी मेरे डेंटिस्ट फॉलोअर्स थे उन सब ने मुझे बताया दैट दिस वॉज बेसिकली विजडम टूथ स्वेलिंग, यानी कि जब आपका विजडम टूथ जो होता है वो गम से बाहर नहीं आ रहा होता, इट्स बेसिकली ग्रोइंग इन साइड द गम, वो भी इस तरह से, ऐसे की जगह इस तरह से। तो जब मैंने अपना एक्सरे निकलवाया था तो मेरा जो दांत एक्चुअल में आ रहा है ना वो इसी तरह से आ रहा है, इट्स नॉट कमिंग लाइक दिस, सो इट्स बेसिकली नॉट इवन गोइंग टू कम आउट, लेकिन इस तरह की चीज़ें वो करेगा। सो इट्स बेटर कि मैं सर्जिकली इसको रिमूव करवाऊँ। देर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, आई एम ग्लैड अबाउट दैट, बट बहुत टेंस था वो सारी सिचुएशन कल की। अभी भी इफ़ आई टच दिस एरिया इट्स स्टिल अ लिटिल हर्टफुल, यानी कि मुझे पता है कि यहाँ पर कल वो स्वेलिंग और यू नो रिस्ट्रिक्टिव सी फीलिंग हो रही थी, देर इज दैट। But at least there's nothing to worry about. Now I just need to take care of this as soon as possible. और जितना मुझे needle phobia है, you cannot imagine. Oof, मेरी जान निकलती है needles से। मतलब मैं देखूँ तो मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, मैं चुप हो जाती हूँ, इतनी बुरी हालत होती है। But yes, जितना मुझे needle phobia है, मुझे full screwdriver, plus वगैरह करवाने पड़ेंगे। अब सही वाले मेरी जान निकल रही है ये सोच के। But I think I've prolonged it for way too long. Now I cannot do that anymore. और आज का ये सीन भी है कि मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गई हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस ड्राइविंग बिकॉज इट्स नेसेसरी। थोड़ा सा रोड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है मुझे। All right, so guess what? I literally drove all the way over here by myself. And that is such an achievement, I cannot even tell you. अब जब मैं सैलॉन आ ही गई हूँ मैंने सोचा मैं अपने आईब्राउज भी बनवा लेती हूँ बिकॉज दे नीडेड इट। अब मैं यूजुअली तो इनको घर में प्लग करके टिंकल रेजर से बना लेती हूँ क्योंकि मुझे इस प्रोसेस से सख्त नफरत है। इट्स जस्ट सो मच टॉर्चर मैन। आई विश देर वॉज अ वे टू गेट रिड ऑफ दीज परमानेंटली एंड दैट देड नेवर कम बैक। आई जस्ट गॉट दिस टॉर्चर डन ऑन माई सेल्फ। आई ऑनेस्टली हेट गेटिंग माई आईब्राउज डन। आई हेट इट बिकॉज आई कैन नॉट bear the pain. I mean, I'm sure so many of you can relate with it, but shukar hai that she did it really nicely. At least eat tak thoda sakoon hoga bhai, it's needed. Now the next thing was to go for a hair treatment क्योंकि मैं usually कभी अपने बालों को तो oil तक नहीं करती हूँ। I'm that lazy with hair care, trust me. तो अब जब मैं इधर आई मैंने सोचा एक अच्छा सा organic सा hair treatment लेती हूँ जिसमें oil भी था, which was very needed for my hair because my hair look like grass now. इतनी बुरी तरह से dry हो चुके हैं and I enjoyed the massage so much. इस treatment को लगाने के बाद they just wrapped my hair in this wrap. You can see how they're doing it right now and I will literally look like a takla bachcha after this, that's that. Lekin phir bhi it was definitely worth it because ye sara jo wrap hai that's going to transfer the heat into my hair and it's going to make it look so nice and fresh. Matlab full pampering session chal raha hai which I am basically enjoying a lot. Hello, so I look like this right now. To inhone mujhe abhi abhi hair protein treatment lagaya hai which is like aloe vera and a lot of other things just for moisturizing my hair and everything for rough and dry hair kyunki mere kafi ho gaye hain, aapko pata hi hoga. So there's that. Aur ab main karane lagi hu facial and I personally think this might be one of my first or second facials that I will ever get done in my life. The first one that I got done was sometime when I was 15 years old eid se pehle and this is going to be my second time ever. No, third time. Dressing table पर भी एक बार करवाया था बट वो ऑर्गेनिक वाला था. I'm pretty scared of facials. I hope this works out fine. Now it's time to refresh these eyelash extensions. By the way, ये before है and I took this shot just to show you guys कि मेरी जो lashes पहले थी before the eyelash extensions ये अभी भी वैसी हैं. मतलब there was no eyelash hair fall whatsoever, alhamdulillah. And then this is the after. Alright, so हुआ ये कि मैं अपने treatments कराते कराते एकदम इतनी late हो गई कि literally इफ्तारी होने में 6 मिनट बचे थे
मैं घीले बाल लेके गाड़ी में बैठ के टिप टिप करता हुआ पूरा पानी बस घर आ गई, बिकॉज आई वॉज लाइक ताज भाई का रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, हमने रोज़ा खोला है, दादी लोग घर पे, आई नीड टू रन, आप मेरे वाले से छोड़ दे, आई एम रनिंग। और मैं वापस आई हूँ, और अभी मैं आई हूँ, एक बाइट ली है, हमने क्या मैं ऐसे खजूरी खा लेती हूँ वहीं पर, मतलब एनी मैंने इतनी फटी कि कुछ खाने का दिल तो करता नहीं इफ्तारी पे। बट द सैड पार्ट इज़ कि अब इनका ब्लो ड्राई नहीं हुआ, अब या तो ये ऐसे ही सूखेंगे या इनको मैं ब्लो ड्राई करूँगी। Alright, so this is from a while later, and मैंने अपने बाल क्योंकि अब ऐसे ही सूखने दिए थे तो वो literally ऐसे बम फटे हुए सूख गए, because I did not have the heart or energy in me to like blow dry them, तो वो इस तरह से सूख गए, which remind me of my old hair honestly. ये haircut बहुत ही मैंने मज़े का किया, it was a good decision that I did this. बट येस दिस इज इट, जिससे मुझे याद आया मैं जल्दी से इसका ट्यूटोरियल भी अपलोड कर देना चाहिए, बिकॉज दिस लुक्स गुड एंड दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ यू गाइज आउट देयर फॉर ईद एज वेल, सो दैट्स डेफिनेटली अ गुड आइडिया। ओके सो रिव्यू टाइम, दिस वॉज माई फर्स्ट एवर टाइम, नॉट फर्स्ट एवर टाइम, थर्ड एवर टाइम, बट आई थिंक सेकेंड एवर टाइम बोलना मेक्स मोर सेंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड दैट आई गॉट अ फेशियल डन, एंड इट वॉज लाइक अ प्रॉपर फिजिकल फेशियल, नॉट अ हाइड्रा फेशियल और समथिंग दैट आई यूजली गेट डन अगर मौका मिलता है तो, बट आई लव्ड द रिजल्ट ऑन माई स्किन। सही है, जैसे मुझे बहुत मजा आया, एंड यू कैन सी माई स्किन, इट एक्चुअली लुक्स वेरी स्क्वीकी क्लीन, एंड द लैशेज टू ऑफ कोर्स दे ऑल्सो लुक रियली प्रिटी, आई जस्ट गॉट देम रीफिल्ड एंड यू कैन सी दैट they look really nice, perfectly ready for Eid basically. साथ साथ I also tried to make my room look as clean as possible. तो अभी तो काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ हुआ है, that is a good thing, लेकिन अभी I have to start working on a few of my projects. जल्दी से मैं वो काम करती हूँ, चीज़ें करती हूँ, and this is it for today's vlog. I hope that you guys enjoyed it. If you did, don't forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in the next one. Bye.